मक्का को अनाज की रानी का खिताब दिया गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन की व्यवस्था में मक्का का महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार में इसकी खेती लगभग 8.7 लाख हेक्टेयर में होती है और उत्पादन लगभग 9 लाख टन के करीब होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार के सहयोग से कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा कृषि में व्यावसायिकता को बढ़ाने के उद्देश्य से मक्का के साथ आलू की अंतर्वर्ती खेती की तरफ किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए किसानों के खेतों पर फसल प्रत्यक्षण कराया जा रहा है ताकि अन्य किसान भी इसे देखकर अपना सके। परिणाम स्वरूप आज राज्य के हजारों किसान मक्का के साथ आलू की अंतर्वर्ती खेती कर दोहरा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक ही ऋतु में पंक्तियों के एक निश्चित अनुपात में उगाया जाता है तो इसे अंतर्वर्ती खेती कहते हैं। इससे खरपतवार नियंत्रण, पौध संरक्षण, खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग में आसानी रहती है। साथ ही एक फसल दूसरी फसल की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित नहीं करती। इस प्रकार मक्का के साथ आलू की अंतर्वर्ती खेती के माध्यम से मक्का फसल को बिना क्षति पहुँचाए इसी जमीन से आलू की फसल लगाकर दोहरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम मकई के साथ साथ आलू का भी फसल लेते हैं और उसमें आड़ी आड़ी से किरैया भी लगाते हैं। उसके बाद आलू मक्का में राजमा भी लगाते हैं, उसके साथ आलू भी लगाते हैं। इस तरह से हम बहुत जो खर्च होता है उससे बढ़िया आमदनी, हम जो समझिए कि खर्च से भी अधिक आमदनी हमारा आलू से हो जा रहा है। लगभग 3 से 4 क्विंटल प्रति कट्ठा के हिसाब से हम आलू ले लेते हैं और फिर जो है 1.5 क्विंटल के आसपास मकई भी हम ले लेते हैं। इससे तो सब बहुत अच्छा है कि मकई के साथ आलू किया जाए या फिर मकई के साथ राजमा किया जाए, आलू के साथ राजमा किया जाए, फिर बाकला का खेती है। बहुत ही अच्छे तरीका से हम लोग इसको यहाँ कर रहे हैं। इस प्रकार किसान भाई आप मक्का के साथ अंतर्वर्ती खेती के माध्यम से दोहरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।